साहब अरेस्ट हो गए हैं और मियां साहब खामोश हो गए हैं। सो बड़ा हाल जितना भी हो, इतने लंबा तो नहीं हुआ करता। स्टेट अफेयर्स बहरहाल अपनी जगह बड़े अहम होते हैं। शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गए, नवाज शरीफ खामोश हो गए। सो कितना लंबा नहीं होता। पीपल्स पार्टी वालों का अपने साथ बैठने वालों पर ही वार। कमर इस्मा कायरा का कहना है कि तलखीन नहीं चाहते, पगड़ियां उछालना बंद कर दें। सलीम शहजाद की बातें सिर्फ कहानियां हैं, सबूत हैं तो जेलों में डालें। पीटीआई की एनआरओ देने की हैसियत ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में घरेलू तशद्दुद की रोकथाम की जानिब अहम कदम। बीवी पर तशद्दुद करने वाले शोहर को 3 माह जेल, 30,000 जुर्माना होगा। अहलिया को डराने धमकाने पर भी सजा होगी, बिल का मसवदा तैयार। शोहर पर झूठा इल्जाम लगाने पर बीवी को 50,000 जुर्माना होगा। हुकूमत की एक और कामयाबी, मुत्तहिदा अरब इमारात 6 अरब डॉलर की सरमायाकारी को तैयार। कराची में पाक अरब रिफाइनरी तामीर होगी, मंसूबे के लिए मकामी कंपनियों की खिदमात भी ली जाएंगी। वजीर खारजा से आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात। शाह महमूद ने आफिया की रिहाई के लिए हुकूमत की काविशों से आगाह किया। वजीर खारजा ने बताया कि पाकिस्तानी कौंसलर जनरल को खसूसी हिदायत दी हैं। चीफ जस्टिस कहते हैं केसेस अधूरे छोड़कर नहीं जाऊंगा। जिन केसेस का आज खुद नोटिस लिया है वो निपटा कर फैसला करके जाऊंगा। सीडीए के पास कोई अहलियत नहीं। जमीन के तबादले के चार्जेस 5% से कम करके 2.5% कर दिए। नया पाकिस्तान बन रहा है, मुमकिन है जेरे जमीन ट्रेन भी चलाना पड़े। लाहौर के अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोना स्मगल करने की कोशिश। एएसएफ ने टोरंटो जाने वाली खातून मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने साइमा नामी खातून से 30 तोला सोने के बिस्किट बरामद कर लिए। चिश्तियां शहर के मदरसा तालीम उन्निसा के करीब एक घर की तीसरी मंजिल पर अचानक आग भड़क उठी। आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी, फायर ब्रिगेड ने बर वक्त पहुँच कर आग पर काबू पा लिया। रहीम यार खां में खानपुर साहिवाल से चक चुरान में आने वाली बारात के लिए पुलिस बस का इस्तेमाल। पुलिस बस पर बारातियों के साथ जहेज का सामान भी लोड किया गया था। दरिया खान में तहसील ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर इमरान बलोच की अताई डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई। कैंची मोड़ पर वाकया राना जफर के क्लिनिक पर छापा मारा। दौरान चेकिंग नॉन वारंटी मेडिसिन कसीर तादाद में बरामद। तमाम मेडिसिन को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई। तहसील ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर इमरान बलोच ने क्लिनिक को सील कर दिया। जाम शोरों में सिंध नेशनल मूवमेंट के मर्कजी अहदेदार लियाकत अली जानोरी ने कहा है कि म्यूनिसिपल कमेटी भुलारी अवाम के बुनियादी मसाइल हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मुंतखब नुमाइंदे अवामी मसाइल हल करने की बजाय करप्शन में मसरूफ हैं। सिर्फ मनपसंद अफराद के इलाकों में काम किए गए हैं। बहुत लाखों रुपए का फंड आ रहा है उनके पास। मुख्तार जमाली के पास भी एप्लीकेशन हमने जमा कराई कि भाई आप ऐसे इलाके के चेयरमैन हो, आपको बड़ा फंड मिल रहा है, आप रोन लगाओ, आप देखो कौन कौन सी गली बनी हुई है, कोई कौन सा सिस्टम बने हुए, ये अपने मनपसंद जो हुए मनपसंद जो चौहान की गली हैं और अंदर जाके घरों के अंदर टाँकियाँ बना के देते हैं उन लोगों को। और चौहान चौक हो गया जो इन लोगों की जो को नाइंसाफी जो हो रही है हमारे हो रही है क्योंकि पठान हमारे साथ बैठे हुए इसीलिए हमारे साथ नाइंसाफी है क्योंकि वो इस्लामी नहीं, वो हमारे भाई नहीं है, हमारे मुसलमान नहीं है क्योंकि हमारे महल में वो पठान रहते हैं, इसीलिए उन लोगों के साथ नाजायजी हो रही है कि भाई इन लोगों को गली बना के नहीं तो ये पठान ही वो क्या है, वो इंसान नहीं है।
रिपोर्ट बाद शहर और जिदोनवा में स्मोक का राज दूसरे दिन भी जारी। कस्बा मरोड़, खिचीवाला और चोलिस्तान में भी स्मोक ने अपने डेरे जमा रखे हैं। स्मोक के बाइस हद निगाह गैर मामूली कम हो गई। स्मोक की वजह से आवाम नजला, जुकाम, एलर्जी और अमराज चश्म में मुबतला। रहीम यार खां में महकमा एक्साइज ने टोकन शॉट और बगैर नंबर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की पकड़ धकड़ शुरू कर दी। ट्रैक्टर भावलपुर की हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद करते हुए शहर भर में नाके लगाकर कार्रवाइयां की जा रही हैं। मजीद जानते हैं रहीम यार खां से हमारे नुमाइंदे उजैरुल हक चौधरी की इस रिपोर्ट में। रहीम यार खां, महकमा एक्साइज की टोकन शॉट और बिला नंबरी मोटरसाइकिल और गाड़ियों की पकड़ धकड़ जारी। डायरेक्टर बहावलपुर की हदायत पर सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नाकाबंदी करके कार्रवाइयां की गयी। इस मौके पर राना असदुल्ला ईटीओ ने गुफ्तगू करते हुए कहा, जनरल होल्ड अप हुक्म डायरेक्टर साहब अपना बहावलपुर होल्ड अप किया हुआ, बगैर नंबर की गाड़ियाँ और टोकन शॉट गाड़ियों को पकड़ रहे हैं। आज जनरल होल्डर पे बाहुकुम डायरेक्टर साहब बहावलपुर, हमने सुबह से 8 बजे से होल्डअप शुरू किया हुआ है, ये शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। इस वक्त तक हमने 30 से 40 गाड़ियाँ बंद की हैं, तकरीबन 100 से ज़्यादा हमने चेक किए हैं। हम अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ और जिनका टोकन टैक्स शॉट है वो गाड़ियाँ बंद कर रहे हैं, जिन गाड़ियों में टैक्स प्लेट हैं वो छोड़ रहे हैं, और जिनकी नंबर प्लेट हैं दो नंबर हैं या बोगस लगी हुई हैं या नॉन कंप्यूटराइज हैं वो गाड़ियाँ भी हम बंद कर रहे हैं। और ये सिलसिला इंशाल्लाह शाम तक 4 बजे तक जारी रहेगा। जब तक हमें कोई इस किस्म की गाड़ी नहीं मिलेगी जो अनलॉफुली हो तो हम ये होल्डअप बंद नहीं करेंगे। महकमा एक्साइज तरंडा स्वाइखा के करीब 20 से ज्यादा बिला नंबरी और टोकन शॉट गाड़ियों को चौकी तरंडा स्वाइखा बंद कर दिया और गाड़ी मालकान को सख्ती से हिदायत करते हुए कहा कि रहीमिया खान में किसी सूरत भी बिला नंबरी गाड़ी को चलाने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। कैमरामैन मुश्तबा के साथ उजैरुल हक चौधरी, टुडे न्यूज, रहीमिया खान। मंडी बहाउद्दीन में डिग्री कॉलेज लड़ाई में शदीद जख्मी होने वाला नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। ग्रुपों की लड़ाई के दौरान शदीद जख्मी होने वाला नौजवान नुमान एक माह अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहने के बाद अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। चिश्तियाँ के मदरसा नूर मदारिस के ज़ेर एहतमाम 12 रबी लेवल के हवाले से रैली का इनेकाद। रैली में नूर मदारिस के उस्ताज़ा और तलबा के साथ कसीर तादाद में लोगों की शिरकत। रैली के शुरकान ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तारीखी कलमात दर्ज थे। भक्कर में थाना सिटी पुलिस का भारी नफरी के हमरा सर्च ऑपरेशन। सर्च ऑपरेशन में स्पेशल ब्रांच सीटीडी अहलकारान, पुलिस की भारी नफरी और एलिट फोर्स ने हिस्सा लिया। 2 इश्तिहारी और 2 मशकूक मुलजमान गिरफ्तार, नाजायज असला और चर्च बरामद। दौरान सर्च ऑपरेशन मजीद 23 मशकूक अफराद को भी हिरासत में लिया गया जिन्हें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद छोड़ दिया गया। मंडी बहाउद्दीन में पुलिस कांस्टेबल का मंशियात फरोशों से राब्तों का इंकशाफ। डीपीओ के मुताबिक कांस्टेबल सुहेल मंशियात फरोशों को छापों की पेशगी इतला कर देता था। इंक्वायरी के दौरान कांस्टेबल पर इल्जाम साबित हो गए। कांस्टेबल सुहेल को फौरी तौर पर मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। बरतरफ अहलकार थाना सिविल लाइन में तैनात था। बरतरफ कांस्टेबल की पुश्तनाई पर इलाके के मंशियात फरोश सरगर्म थे। खबरों अपडेट्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.todaynewshd.tv। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।